हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टाइम में प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहता है, तो आपको एक ऐसी स्कीम की तलाश होगी जहां पर आप एक बार ही लमसम इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सके। तो आज मैं आपको एक ऐसी SBI की ज़बरदस्त स्कीम बताने वाला हूँ जिसमें आप 1,60,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करके बच्चे के फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस SBI स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस स्कीम का नाम SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है। ग्रोथ ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा विकल्प होगा, और ये म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है। इस स्कीम को SBI ने खास तौर पर माइनर बच्चों के लिए बनाया है। तो इस स्कीम में पेरेंट्स अपने माइनर बच्चे के ब्याह पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की एज 3 महीने से लेकर 18 साल तक होनी चाहिए, और इस स्कीम में आप मैक्सिमम 18 ईयर्स तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए इन्वेस्ट करने का, और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है, और 5 साल से पहले आप पैसा रिडीम नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम का फंड साइज 1,686 करोड़ का है, और इस फंड में मिनिमम 500 रुपये से SIP और लमसम 5,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंसिस रेशो 0.87% है, और इस फंड ने लास्ट 1 साल में लगभग 35% का रिटर्न दिया है, और ये जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लगभग 41% का ऑल टाइम एनुअल रिटर्न बनाकर दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। और इस म्यूचुअल फंड के मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर्स में है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल, ICICI बैंक, दूधला डेयरी, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, अल्फाबेट INC, लॉन्जा ग्रुप, मुथूट फाइनेंस, ईट पैरी, एप्टस वाल्प स्टॉक्स में है। अभी इसका एडवांस रेशो एनालिसिस कर लेते हैं। इस फंड का पी रेशो 25.8 है, और अल्फा 21.1 है, जो कि बहुत अच्छा है। बीटा 0.6 है, शार्पे 1.8 है, और शॉर्टिनो 3.4 है, और PB रेशो 3.9 है। और इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो रामा अय्यर, राजीव राधा कृष्णा और प्रदीप केसावन इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं। और इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के जरिए और लमसम अमाउंट के थ्रू। तो आज मैं आपको लमसम अमाउंट के थ्रू कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ये फंड 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, तब से इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न जो है वो लगभग 40% का है। अगर आप इस SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप 1,60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और हम मानकर चले कि कम से कम 26% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाले समय में मिलता है, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,91,556 रुपये का होगा। 18 साल बाद आपके फ़ंड की जो टोटल वैल्यू हो सकती है वो करीब 1,02,51,556 रुपये हो सकती है। आप स्क्रीन पर भी सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब मैं आपको फ़ंड की 17% पर NM के हिसाब से कैलकुलेशन बताऊँगा। अगर आप 1,60,000 एक बार निवेश करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिल सकता है वो लगभग 25,40,633 रुपये हो सकता है, और 18 साल बाद आपके पूरे फंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 27,633 रुपये हो सकती है। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन या मैरिज के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप इस SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान स्कीम को कंसीडर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर ले, और अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर ले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।